नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम कसौटी पर चार साल में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की, पड़ताल करेंगे इन योजनाओं की कामयाबी की। और इसके लिए इस बार हम मौजूद हैं गाजियाबाद जिले के लोनी तहसील में। यहाँ पर विभिन्न विभाग के अधिकारी हमारे साथ हैं जो बताएंगे राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में। साथ ही मौजूद है लोनी की जनता। प्रोग्राम के शुरुआत में सबसे पहले हम अपने खास मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है कृष्ण करुणेश कुमार जी, CDO। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं SK त्रिपाठी जी, PDDRA। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर राजेश तेवतिया जी, अधीक्षक CHC। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं डॉक्टर अजय यादव, पशु चिकित्सा अधिकारी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में हमारे साथ हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले हम अपने CDO साहब से ही पूछते हैं कि यहाँ पर UP सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ जनता उठा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं लॉन्च की गई हैं इस डिस्ट्रिक्ट में। बेसिकली तीन कैटेगरी की योजनाएं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अवस्थापना सुविधा के लिए है, कुछ लाभार्थी प्रद बेनिफिशियरी पेंशन योजना टाइप, और तीसरा कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, जैसे कौशल विकास मिशन एंड ऑल। तो इस तरह से आप देखिएगा, तीन कैटेगरी में अगर आप स्पेशली फोकस कीजिएगा तो एक योजना है समग्र ग्राम योजना। इसमें एक गाँव को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसमें 24 विभागों के द्वारा 36 प्रोग्राम्स लागू किए जाते हैं। मीन्स उनको हर एंगल से संतृप्त करना होता है, गाँव को हर एंगल से सैचुरेट करना होता है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जैसे है कि अप्रोच रोड बनवाया जाता है गांव में, CC रोड, KC ड्रेन, टॉयलेट्स, अगर स्कूल नहीं है तो स्कूल का निर्माण कराया जाता है, अगर आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है आंगनवाड़ी सेंटर का निर्माण कराया जाता है। इसके अलावा समाजवादी पेंशन स्कीम है। जनरली पेंशन धारक बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, जिसका नाम BPL सूची 2002 में छूट गया, तो उनको हम लोग किसी भी तरह किसी भी प्रकार का पेंशन स्कीम में कवर नहीं कर पाते थे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है समाजवादी पेंशन योजना। इसमें बेसिकली 500 रुपया पेंशन मिलता है। लाभार्थी का चयन के लिए क्राइटेरिया है उनको किसी भी पेंशन योजना के तहत लाभान्वित नहीं किया जा रहा हो, 36,000 से कम का आय हो जी। तो ये हेल्थ और एजुकेशन दोनों से लिंक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसमें जो भी लाभार्थी है उसको इंश्योर करना पड़ेगा, अगर घर में असाक्षर सदस्य हैं उनका स्कूल में इनरोल करा के साक्षरता में इनरोल कराया जाए, 6 से 14 साल के बच्चे हैं तो उनको स्कूल में इनरोल कराया जाए। समाजवादी पेंशन किसी को मिल रही है यहाँ पर मौजूद लोगों में से? आपको मिलती है जी? मैं आपके पास आ रही हूँ। 500 रुपये महीना मिलते हैं, 3 महीने के 1500 रुपये आते हैं। इससे कुछ फायदा होता है आपको? फायदा होता है जी, 1500 रुपये आ जाते हैं महीने में। ये पैसे आप अपने हिसाब से खर्च करती हैं, आपके होते हैं? हाँ जी, आप अपने हिसाब से बच्चों में खर्च होते हैं। आपको पेंशन मिलती है? कैसे जानकारी मिली पेंशन के बारे में? बैंक से खाता, बैंक में आई थी। बैंक में पैसे आ जाते हैं? किसी ने बताया था कि सरकार ऐसी योजना चला रही है? प्रधानी जी ने बताया था। रीना, आप समाजवादी पेंशन का लाभ ले रही हैं? हाँ जी, मुझे समाजवादी पेंशन मिलती है, 3 महीने में 1500 रुपये मिलते हैं। कब से आपको पेंशन मिल रही है? 2 साल से। 2 साल से पेंशन आ रही है। फिर इन पैसों का क्या करती हैं? अपने हिसाब से खर्च करती हैं बच्चों पर, परिवार पर? अपने हिसाब से खर्च करते हैं, घर में कुछ काम पड़ जाता है उसके लिए करते हैं। समाजवादी पेंशन योजना के लाभार्थियों से हम बात कर रहे थे। लोहिया आवास का भी जिक्र अभी CDO साहब ने किया था। लोहिया आवास के तहत किसी को घर मिला है यहाँ पर? आपको मिला है? 3 लाख रुपए मिले हैं और 12,000 जो है लेटरिंग के लिए मिले हैं। ब्लॉक अधिकारियों के थ्रू कन्फर्म हुआ, पूजा वाइफ और महेश के नाम से मकान बना है, वो आज है नहीं, मैं इसलिए आया। खाते में पैसे आए? खुद बनवाया? हाँ जी। कुछ कहेंगे सरकार के लिए अच्छी योजना है, इससे गरीबों को भी घर बन पा रहा है, जिनको घर का सपना होता था वो सपना पूरा हो रहा है? जी जी, हाँ सपना पूरा हुआ है, पहले छप्पर में था, मकान मिले, अब अच्छी बात है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और अब हम चलना चाहेंगे PDDRO के पास। PDDRA SK त्रिपाठी जी, आप बताइए लोहिया आवास और लोहिया ग्राम विकास, यहाँ स्थिति क्या है लोनी में इन दोनों योजनाओं की? अब तक अपने जनपद गाजियाबाद में 100 लोहिया आवास का निर्माण कराया जा चुका है जी। जितने हमारे लोहिया समग्र ग्राम के रूप में चयनित ग्राम सभाएं हैं उनमें भी लोहिया आवास से उनको संतृप्त किया जा चुका है। आज के डेट में जितने भी आवास विहीन परिवार थे लोहिया ग्राम में, उनका आवास बनवाया जा चुका है। जो परिवार धूप में बरसात में झेला करता था धूप और बारिश को, वो आज सुखी है और इस सरकार को दुआ दे रहा है
माननीय मुख्यमंत्री का सबसे फ्लैगशिप स्कीम है और आज तक की सभी आवासीय स्कीमों में सबसे सफल स्कीम हमारी लोहिया आवास रही है। धन्यवाद डॉक्टर राजेश तेवतिया जी। आप बताइए, चिकित्सा के क्षेत्र में जितनी योजनाओं की शुरुआत यूपी गवर्नमेंट ने की है, लोनी में जनता को कितना लाभ मिल रहा है? हमारे यहाँ GSY में लोनी में जनता को काफ़ी लाभ मिला है और 102-108 एम्बुलेंस का पूरा लाभ ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी मिल रहा है। डॉक्टर अजय यादव जी, पशु चिकित्सा अधिकारी, आप बताइए, कामधेनु डेयरी योजना, इस योजना को अमली जामा आपके विभाग द्वारा ही पहनाया जा रहा है, इस बारे में कितनी जानकारी और कितनी कामयाबी यहाँ पर? मैडम, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें तीन कैटेगरी है, कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु। कामधेनु योजना 1,20,00,000 रुपये की है और इसमें 25% किसान को लगाना है और 75% ब्याज मुक्त बैंक से लोन मिलता है। और कामधेनु योजना में 100 पशु पालने हैं, या तो 50 गाय या 50 भैंस, या 100 गाय पाल ले या 100 भैंस, जानवर बाहर से लाने होते हैं, अदर स्टेट से जो है। और मिनी कामधेनु योजना में 50 पशुओं की योजना है, इसमें 52,00,000 की कुल योजना है, इसमें 25% किसान को लगाना है अपने पास से, 75% लोन मिलता है। ऐसे ही माइक्रो कामधेनु 25 जानवरों की योजना है, दुधारू पशुओं की, ये 27,00,000 की है, इसमें लगभग 19,00,000 रुपये ब्याज मुक्त पैसा मिलता है। और हमारे यहाँ जो है लोनी ब्लॉक में 5 माइक्रो कामधेनु योजना चल रही है, 2 मिनी और 2 कामधेनु योजना चल रही है। कामधेनु डेयरी योजना, यहाँ कोई जानता है इस योजना के बारे में? इससे लाभ तो काफ़ी हो रहा है और मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने अच्छी योजना हम किसानों के लिए दी है। उसके बाद में CDO साहब को और CBO साहब को और पूरे पशुपालन विभाग को, सबको धन्यवाद कहूँगा कि जिससे उन्होंने हमको जानकारी दी कि पशुओं की ब्रीड कैसी होनी चाहिए, टाइम पर टीकाकरण, इस तरह की सारी जानकारियाँ दी। आप अपना नाम बताइएगा। अजयवीर। आपको कामधेनु योजना के बारे में कैसे पता चला, फिर किस प्रक्रिया के तहत आपने डेयरी लगाई है? हमें गाजीबाद विकास भवन से पता लगा जिसके बारे में, और हमारे जो ब्लॉक के डॉक्टर हैं इनके द्वारा पता लगा, फिर हमने उनसे जो भी प्रतिक्रिया उसकी जानकारी ली और सारे काम पूरे कर गए और हमने बड़ी कामधेनु योजना लगाई फिर अपनी। कोई दिक्कत आई कहीं, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं आई, हमारे जितने भी चिकित्सा से डॉक्टर जुड़े हुए सबने हमारा बहुत सहयोग करा है। CEO साहब से लेकर हमारे ब्लॉक के डॉक्टर तक सबने हमें अच्छा रास्ता दिखाया और जैसे जैसे बताते रहे मैं सारे कार्य समय पर पूरे करके अपनी मतलब डेयरी चालू कर। कामधेनु डेयरी योजना के बारे में सुना आपने, इससे काफ़ी लाभ उठा रहे हैं छोटे किसान, छोटी जोत वाले किसान तो उठा ही रहे हैं, वो युवा भी लाभ उठा रहे हैं जो स्वरोजगार करना चाहते थे, उनको एक रास्ता मिल गया, राज्य सरकार ने उन्हें एक रास्ता दे दिया जिसमें मुनाफा ज़्यादा है, सरकार की ओर से मदद भी ज़्यादा है। करुणेश जी, आप बताइए, कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत कोई नया युवा करना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? अगर प्रॉपर कामधेनु योजना करना चाहते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट 1.2 करोड़ के आसपास है, उसके पास 25% अपना मार्जिन मनी होना चाहिए, 90,00,000 बैंक लोन मिलेगा, शेड के अलावा 2 एकड़ जमीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो किसान के पास कम से कम 2 एकड़ जमीन है तो वो फिर कामधेनु के लिए अप्लाई कर सकता है और इस फील्ड में कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल में कमिटी है मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में, तो वहां से इनका सिलेक्शन हो जाता है एंड विद इन 6 मंथ्स लोन भी डिसबर्स हो जाता है। बैंक वालों के साथ मीटिंग करके छोटी मोटी मॉर्गेज की इश्यूज होती है उनको हम लोग कोऑर्डिनेट करके करा देते हैं। और अगर किसान 5 साल तक रीपेमेंट ऑन टाइम करता रहे तो उसमें एकमुश्त ग्रांट भी है, 5 से 8 लाख रुपया प्रदेश सरकार एट दी एंड, अगर किसान ने सारे प्रिंसिपल अमाउंट टाइमली रिपे किया है तो एक पर्टिकुलर ग्रांट भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। श्रम विभाग की ओर से भी बहुत सारी योजनाएं हैं मजदूरों के लिए, उनकी स्थिति क्या है यहाँ? जो श्रमिक 90 दिन तक एक वित्तीय वर्ष में कार्य करता है उसका पंजीकरण कराया जाता है, पंजीकरण कराने के बाद उसको बहुत सारी लाभ मिलते हैं, यदि 90 दिन कार्य करने के बाद उनको हम साइकिल भी दे देते हैं, इस योजना के अंतर्गत आवास भी बनवाते हैं, उनके यहाँ तक कि उनके गृह निर्माण तक के, घर निर्माण तक के का प्राविधान इसमें किया गया है। इस जनपद में सेस के रूप में 1% की धनराशि, बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठा होती है, उस धनराशि से निरंतर सोलर लाइट, साइकिल वितरण का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मातृत्व लाभ के रूप में भी धनराशियां दी जा रही हैं। आपको साइकिल मिली है? साइकिल मिले हैं। और भी किसी योजना का लाभ मिल रहा है?
और लड़के दो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनके कॉपी किताब जो है सब, खाने पीने के सब कुछ वहीं सब व्यवस्था हुई है। इसे मुझे भी अच्छा लग रहा है जो सही वहाँ सब कुछ व्यवस्था से अच्छे से पढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से साइकिल की लाभ मिला है, उसके लिए मैं उनके लिए समाजवादी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे आने जाने में सर्विस करने में दिक्कत नहीं हो रही, पहले दिक्कत हो रही थी। तो क्या आपको लगता है ये सरकार मजदूरों के बारे में भी सोचने वाली सरकार है? हाँ जी बिल्कुल सही है सरकार, उसके लिए मतलब धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत से कदम उठाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कई सहूलियतें दी जा रही हैं, उन्हीं में से एक है जननी सुरक्षा योजना और समाजवादी एम्बुलेंस, उसके तहत भी महिलाओं को काफ़ी लाभ मिल रहा है, राहत मिल रही है। क्या आप में से कोई है जो समाजवादी एम्बुलेंस के बारे में जानता है? जी मेरा नाम सुनीता है, मेरे पति का नाम राज सिंह है और मेरी पिछले साल बच्चा हुआ था तो मुझे 1400 रुपये का लाभ मिला था जी। और जाने और आने के लिए एम्बुलेंस का सहयोग मिला था जिससे कि मेरा आने जाने का खर्च बच चुका। तो ये सारी सुविधा आपको सरकार की ओर से है? जी सरकार अस्पताल में ही मेरा डिलीवरी हुई थी। अच्छी सुविधा थी वहाँ? बहुत ज़्यादा अच्छी थी, साफ सफाई और डॉक्टर एकदम से ऐसे आते जैसे कि हमारी फैमिली है। 10-15 मिनट में पहले मरीज हमारे पास फ़ोन करता है, हम 5 मिनट में मरीज के पास पहुंच जाते हैं और 102 पे कॉल लगाते हैं, 10 मिनट का टाइम देते हैं, एम्बुलेंस हमारे पास 10 मिनट में पहुंच जाती है। चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बारिश हो, चाहे कीचड़ हो, कुछ भी हो, परेशानी नहीं आती है ना। बहुत बच्चे भी बच रहे हैं, जच्चा भी बच रहा है, टाइम पे अपनी CSC लोनी से लाया जाता है। मेरा ये बच्चा हुआ था, तो बच्चा जब हुआ था तो उस दौरान भी गाड़ी गई थी ले जाने के लिए, लाने के लिए। फिर जब बच्चा हो गया था उससे अगले दिन गाड़ी छोड़ने गई थी। फिर जब बच्चा मतलब हमने जो हमारा बैंक में अकाउंट खुला था उसका वो जमा कराया हमने अकाउंट नंबर, तो 12-13 दिन के अंदर पैसा हमारा पहुँच गया था 1400 रुपये। और जब भी बच्चा बीमार होता है जैसे, तो एम्बुलेंस जाती है, हम बुलाते हैं या आशा बहन जी बुलाती हैं, तो बच्चे के लिए एम्बुलेंस जाती है। अगर बीमार है तो बच्चा, तो एम्बुलेंस आती है दिखाने के लिए, लेके भी जाती है और छोड़ के भी जाती है जी। पिछले साल 10 तारीख को मेरी लड़की हुई थी तो एम्बुलेंस को बुलाया था। मेरी डिलीवरी में परेशानी भी आ गई थी, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मुझे हैंडल किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो जिन्होंने हमें ये सुविधा दी है, और इस दौरान हमें खर्च के लिए भी पैसा मिला है। मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तेवतिया जी, ये आपके विभाग के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ मौजूद महिलाएं बता रही हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में उन्हें काफ़ी लाभ मिल रहा है, जननी सुरक्षा योजना का भी लाभ मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है सरकार के लिए भी, आपके लिए भी। करुणेश जी, आपसे जानना चाहूँगी, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो स्वरोजगार करना चाहती हैं, उनके लिए सरकार ने कौन कौन से रास्ते बनाए हैं? प्रदेश सरकार ने एक कोष बनाया है जिसे रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष कहते हैं। ये बेसिकली जैसे एसिड अटैक की विक्टिम्स हैं या और किसी भी तरह की परिस्थिति, हर्ट या किसी भी तरह की परिस्थिति की अगर विक्टिम अगर रही महिला, तो उनको 3 लाख से 10 लाख रुपए तक का स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है, ये इस आशय के साथ कि वो अपना ट्रीटमेंट करा ले। अगर कुछ अपना स्वरोजगार अपना बनाना, बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। इसके अलावा आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, इनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। जैसे यूनिफॉर्म वितरण होता है स्कूल, सरकारी स्कूल में जो यूनिफॉर्म बंट रहे हैं, तो ये हम लोगों का दिशा निर्देश रहता है कि जितने भी यूनिफॉर्म हैं इनका सिलाई का काम महिला सेल्फ ग्रुप की महिलाओं से कराया जाए। उसके अलावा सैनिटरी नैपकिन्स में भी हम लोगों ने एक प्लांट दासना में इस्टेब्लिश किया है जिसमें महिलाओं सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही इन्वॉल्व किया जा रहा है। एस के त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्लीन यूपी ग्रीन यूपी की स्थिति क्या है? शहरी क्षेत्रों में तो नगर निगम लगा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्लांटेशन का कार्य कराया जा रहा है, गाँव में सफाई कर्मचारी हैं जो निरंतर सफाई का कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, स्वच्छ घर घर शौचालय बनवाने का कार्य किया जा रहा है, बाहर शौच के लिए कोई न जाए इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब तक लोगों में शौचालय के प्रयोग की प्रवृत्ति भी नहीं थी, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है कि शौचालय का प्रयोग करें, शौच के लिए बाहर न जाएं। शहरों में निरंतर सफाई का कार्य चल रहा है, डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है,
इस तरह से ग्रीन यूपी क्लीन यूपी की दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे यहाँ शौचालय बनाए गए हैं, पहले हमारे शौचालय नहीं थे, हमारी माताएं बहनें सब बाहर जाया करती थी शौच के लिए, उससे जो हमारे स्वास्थ्य पर भी वो हानि होती थी, मक्खी मच्छर बैठते थे, फिर हमारे खाने बैठते थे, और अब शौचालय बनाए गए हैं। जी शौचालय बने हमारे, पहले बाहर जा रहे थे, अब उन शौचालय बनने पर हमें बहुत सुविधा हुई। पैसे सीधे खाते में आ गए थे? खाते में पैसे आए, दो बार खाते में पैसे आए हैं, 6,000-6,000 रुपये। और हमारे यहाँ पहले गांव में शौचालय नहीं था जी, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमारे जो माते बहनें पहले बाहर जाती थी उससे बहुत दिक्कत हो गई, और जब शौचालय बन गया इससे बहुत फ़ायदा हुआ। और पैसे भी आए जी 12,000 रुपये, दो बार किस्तों में बैंक में। मेरा नाम धर्मपाल है जी। हमारे परिवार वाले पहले बाहर जाया करते थे, हमारे यहाँ लैट्रिन बन गई तो अब हमें उससे फ़ायदा मिला और 12,000 रुपये मिले दो बार। सरकार ने जो शौचालय बनाया इसके लिए मैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बार बार धन्यवाद करता हूँ जी। और इस शौच जाने के लिए बाहर गंदगी फैलती थी जी, हमारी बहू बेटियाँ अब बाहर नहीं जाती जी। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और यहाँ पर फारूक रजा जी भी मौजूद हैं, पंचायत राज, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है, कैसे लोगों को प्रोत्साहित किया गया। काम अच्छा ज़रूर हो लेकिन लोगों को प्रोत्साहित करना, जागरूक करना, ये एक बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि कामयाबी मिली है इसमें। पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत जहाँ एक और ग्रामीण अंचल में विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों को कराया जा रहा है, वहीं प्रदेश सरकार की एक सबसे महत्वपूर्ण योजना अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया जा रहा है। और अंत्येष्टि स्थल के अंतर्गत जो लोग दाह संस्कार में जो परेशानियां आती थी वर्षा के टाइम में, अब वो दूर हो गई हैं। जहां एक और दाह संस्कार सही तरीके से किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जो हमारे ग्रामीण अंचल के लोग हैं जो दाह संस्कार के लिए जाते हैं, उनको बैठने के लिए एक शांति स्थल का भी निर्माण किया गया है। वहाँ शौचालय का निर्माण हुआ है, पानी की व्यवस्था भी सुदृढ़ की गई है ताकि हाथ वगैरह अपने आसानी से धो सकें। वहीं पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के यहाँ हो रहा है जो शौचालय विहीन है, इसके लिए बेसलाइन सर्वे का एक सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें 18,360 हमारे जनपद गाजियाबाद में अभी शौचालय विहीन परिवार हैं। निरंतर इस पर काम किया जा रहा है। वहीं CLTS एक योजना है, समुदाय संचालित संपूर्ण स्वच्छता, इसके अंतर्गत ग्रामीण अंचल में व्यक्तियों को, लाभार्थियों को बैठाकर बहुत ही अच्छे और बेहतर तरीके से हमारे जो स्वच्छता प्रेरक हैं, हमारे पंचायत सेक्रेटरी हैं, ग्राम प्रधान हैं, एडीओ पंचायत एंड अदर ब्लॉक लेवल पर जितने भी हमारे अधिकारी हैं, हमारे BDO साहिबान हैं, सभी निरंतर इसमें एक प्रयास कर रहे हैं ताकि ग्रामीण अंचल की जनता जागरूक रहे। और जागरूक होने के बाद जहां एक और हमारे शौचालयों का निर्माण हो रहा है, वहीं ग्रामीण अंचल में एक विकास की बाहर आ रही है। हमारा जनपद गाज़ियाबाद प्रथम चरण में प्रदेश में ODF ओपन डेफिकेशन फ्री के लिए चयनित हुआ है, और द्वितीय वर्ष 2016-17 में ही जनपद गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम ओपन डेफिकेशन फ्री किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं जाएगा, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। धन्यवाद। और इस वक्त हमारे साथ हर्षा सिंह भी मौजूद हैं, हमारे बीच हैं, BDO लोनी, उनसे बात करते हैं। हर्षा जी आप बताइए, ज़मीनी स्तर पर किसी भी योजना को इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल काम होता है, यहाँ कितनी कामयाबी मिल रही है? ज़मीनी स्तर पे किसी भी योजना को कार्यान्वित करने के लिए हम लोग प्रधान को लेते हैं, जो कि वो जनप्रतिनिधि होते हैं। अगर हम उन तक अपना मैसेज या योजना कन्वे कर लेते हैं तो वो गांव में जाकर सारे ग्रामवासियों को बता देते हैं कि ये योजना चल रही है प्रदेश सरकार की, इसमें ये पात्रताएँ हैं। और हमारे जो सचिव होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी, उनके माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाता है, बताया जाता है कि सरकार ने आपके लिए ये योजना प्रारंभ करी है और आप ये फॉर्म भरिए, हम कलेक्ट करेंगे, फिर वो सबमिट होता है ब्लॉक में। इसके माध्यम से हम बिल्कुल निचले स्तर पर योजना को क्रियान्वित करते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक भी करते हैं, क्योंकि सरकार अगर पैसे दे रही है तो उसका लाभ हर एक व्यक्ति, हर एक घर तक पहुँचना चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। जो भी पॉवर्टी एलिवेशन की स्कीम्स हैं वो हमारे डिफरेंट ब्लॉक्स के माध्यम से संचालित होती हैं, उनको मॉनिटरिंग करना, उनकी गुणवत्ता बनी रहे और कोई अगर उनको प्रॉब्लम आती हैं उनको दूर करना। इसके अलावा जो राम मनोहर लोहिया समग्र गांव योजना मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम है, जिसमें उनका उद्देश्य यही है कि जो रूरल से माइग्रेशन हो रहा है शहरों की तरफ वो रुके, तो लोहिया ग्राम में वो सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करा दी जाएँ जिससे कि जो गाँव के लोग हैं वो शहर में पलायन ना करें, चाहे वो CC रोड हो, चाहे लोहिया आवास हो और चाहे लाइट हो, तो पूरे गांव में तो उनको मॉनिटरिंग करना, डिफरेंट एजेंसीज जो काम करती हैं
उनको देखना। अब शहर में एक बार को लाइट चली जाती है तो ब्लैकआउट हो जाता है, लेकिन हमारे गांव में जैसे सोलर लाइट लोहिया गांव में लग गई तो वो रात भर चलती हैं, तो इतनी अवस्थापनाएँ लोहिया गांव में उपलब्ध कराई जा रही हैं जिससे कि माइग्रेशन हमारा रुक जाए। डिफरेंट जो एजेंसीज हैं अलग अलग, जैसे सोलर नेडा कर रहा है, सोलर लाइट लगा रहा है, RES रोड्स बना रहा है, या पेंशन स्कीम से डिफरेंट्स विभाग हैं, उनको मॉनिटरिंग करना और उनका निरीक्षण कराना, कहीं कोई अगर गुणवत्ता में कमी है तो उसको लिखना, उसको दूर कराना। और इसके लिए मैं समझता हूँ जिस प्रकार हमारे गांव धीरे धीरे 19 गांव प्रत्येक वर्ष में चयन हो रहे हैं, तो 163 हमारे गाँव हैं, तो आगे 5 साल में हम पूरा जनपद जो ग्राम में ग्रामीण क्षेत्र है उसको शहरों के माफिक हम उसको ऊपर ले आएंगे। चलिए, लक्ष्य ऊंचा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि तीर भी ऊंचा ही जाएगा, निशाना ऊपर ही ऊंचा ही साधा जाएगा। CDO साहब, आप प्रोग्राम के आखिर में कुछ और योजनाओं पर प्रकाश डालना चाहेंगे? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हर एक स्टेज पे रहा है जहाँ लाभार्थी कमजोर पड़ सकता है। जैसे गवर्नमेंट ने हौसला पोषण मिशन लॉन्च किया था, इसके तहत गर्भवती महिलाओं को केंद्र में ले जाके भोजन कराना, इसके अलावा आयरन की टैबलेट्स एडमिनिस्टर करना, ये इंश्योर करने के लिए कि गर्भवती महिला भी स्वस्थ रहे और जो बच्चे हैं वो भी स्वस्थ रहें। उसके बाद भी अगर बच्चा अगर कुपोषित और या अति कुपोषित हो रहा है तो उसके लिए न्यूट्रिशन मिशन लॉन्च किया गया है ताकि रेगुलर VHND हो, बच्चों की मॉनिटरिंग हो, पुष्टाहार का पैकेट उपलब्ध कराया जाए ताकि बच्चों का हेल्थ ठीक हो सके। 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया गया है, फ्री भोजन दिन में दिया जाता है जिसमें गवर्नमेंट ने दूध मंडे को ऐड किया है, वेडनेसडे को फ्रूट्स ऐड किया गया है। और इसके अतिरिक्त बच्चा अगर आगे पढ़ना चाह रहा है, अगर कॉलेज इंजीनियरिंग करना चाह रहा है या हायर एजुकेशन जाना चाह रहा है तो उसमें शुल्क प्रतिपूर्ति किया गया है, स्कॉलरशिप का स्कीम्स लॉन्च किया गया है, बहुत बच्चे लाभान्वित किए जा रहे हैं। जबकि गाजियाबाद में मोर देन सालाना हर साल 2,000 से 2,500 बच्चे लाभान्वित किए जा रहे हैं जी। इसके अतिरिक्त अगर फिर भी बच्चा अगर कहीं जॉब लेने में असमर्थ रहा है तो उसके लिए कौशल विकास मिशन लॉन्च किया गया है जिसमें उसे टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करके एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से लिंक किया गया है। विभिन्न तरह की कल्याणकारी पेंशन योजना लॉन्च किया गया है, यहाँ तक कि अगर श्रमिक का डेथ अगर हो रहा है तो उसे 15,000 रुपये अंत्येष्टि के लिए दिया जा रहा है, उसके परिवार को 1,00,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है जी। तो आप देखिएगा स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हर स्टेज पे फ्रॉम बर्थ टू डेथ हर स्टेज पे रहा है जहां लाभार्थी कमजोर पड़ सकता है। बिल्कुल। SK त्रिपाठी जी, PTTRA, आप बताइए प्रोग्राम के आखिर में आप और किन योजनाओं के बारे में बताना चाहेंगे? लोहिया समग्र विकास योजना हमारे मुख्यमंत्री जी की सबसे फ्लैगशिप स्कीम है। इस योजना अंतर्गत उस गाँव में किसान से लेकर के बच्चे से लेकर वृद्ध तक सबके लिए लाभार्थी परक योजना लाई गई जिसमें किसानों के लिए बीज वितरण, अनुदानित उर्वरक, मृदा परीक्षण का कार्य, KCC उनको बनवाने का कार्य जिससे जब भी उनको अपने कृषि कार्य के लिए उर्वरक के लिए या कृषि यंत्र के लिए धनराशि की आवश्यकता हो वो बैंक से KCC के माध्यम से ले सकें, 4% ब्याज पर किसानों की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार से विधवा, वृद्धा और विकलांग के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई। डॉक्टर राजेश तिवतिया जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे प्रोग्राम के आखिर में? इसमें एक योजना और थी कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत एक योजना चलाई गई थी जिसमें कि डॉक्टरों की टीम बनाकर सरकारी स्कूल में बच्चों का हेल्थ चेकअप किया जाए जो कि डेली पोषण मिशन की बात कर रहे हैं आप? यस मैम जी। तो उसमें बच्चों का डेली ही स्वास्थ्य परीक्षण होता है जिसमें अगर किसी को आयरन एनीमिया की कंप्लेन आती है उसमें उसके लिए आयरन दी जाती है, छोटे बच्चों को सिरप दिया जाता है और किसी को अगर पेट से संबंधित अगर कीड़े की प्रॉब्लम है वर्मी की तो उसमें एल्बेंडाजोल प्रोवाइड कराई जाती है। डॉक्टर अजय यादव जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे आखिर में? हाँ मैडम, हमारे यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री की एक योजना चलती है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार जो है 50 चूजे देती है, 1 महीने का राशन और 400 रुपये देती है और हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है किसानों को जो है। आप सभी खास मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही लोनी की जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। इसी के साथ आज इस एपिसोड में इतना ही, अगले अंक में हम होंगे किसी और क्षेत्र में, वहां की जनता, वहां के अधिकारियों से करेंगे बातचीत, जानेंगे यूपी सरकार के पिछले 4 साल जनता की उम्मीदों की कसौटी पर कहां खरे उतरते हैं।